नमस्कार, आप देख रहे हैं crime100news.com। साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा हर प्रकार के माफियाओं और चोर डकैतों पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लुटेरे खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें, पूरा मामला जनपद बांदा के तिंदुवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जौहरपुर गाँव में स्थित खदान खंड एक का है, जहां एक दर्जन से अधिक लुटेरों ने खदान में घुस मशीनों को तोड़ फोड़ कर लगभग 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया है। फिलहाल लुटेरों की करतूत खदान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी बांदा पुलिस लुटेरों को ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। बांदा से सीमा गिरी की खास रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप कहाँ के निवासी हैं? बाराबंकी। आज यहाँ पे किस गांव में हैं आप? इस समय जौहरपुर में। क्या रात में कैसी घटना हुई है यहाँ पे? शाम को जो है वहाँ लोडिंग का काम हो रहा था, उसके बाद 10-15 लोग पहुँचे और वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। वैसे लगभग कितने बजे की घटना है रात? ये 4:30 बजे शाम को। इसके बाद आपने सूचना दी? उसके बाद जो है वहाँ से सूचना आई, मैं पहुँचा तो वहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव के सिंह सालों वगैरह थे, कहते कि वो नाव के द्वारा नदी से भाग गए। वैसे क्या उनकी कुछ शिनाखत हो सकी है कि कौन लोग थे, कुछ जानकारी है ऐसी? अब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग उत्पाद किए, तो जब वहाँ गांव के लोगों ने बताया जब पहुँचे तो वो जो है भाग चुके थे नदी के। वैसे कितने नुकसान हो चुका है, हो गया है वहाँ से? लगभग 1.5 लाख का। 1.5 लाख का नुकसान और प्लस जो जेसीबी वगैरह के कांच वगैरह लाइन के कांच। क्या लगता है आपने इस संज्ञान को प्रशासन के द्वारा? तुरंत मैंने सूचना दी थाने और थाने को तहरीर दी गई, अभी तक कोई